फ्रेंड्स वेलकम अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.4 फ्रॉम दी 19 क्वेश्चंस। इसके 18 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी 19। फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। एक हमारे पास सर्कल गिवन है, दूसरा क्या है यहाँ पे पैराबोला गिवन है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको इधर ले आए x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को जिसका सेंटर 40 है और रेडियस क्या है यहाँ पे 4 यूनिट है। दूसरा यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक राइट पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0, 0 है और एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस। दोनों हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग है यहाँ पे। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इस फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू जा गई 0 और 4। यहाँ पे सोल्व करने पे x की 2 वैल्यू 0 और 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो y क्या है, प्लस माइनस 4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व अबव एक्स एक्सिस आर 0, 0 एंड 4, 4। ठीक है, 0, 0 अब एक्स एक्सिस, हमें -4 यहाँ पे हम नहीं लेंगे। ठीक है, 0, 0 और 4, 4 यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर यहाँ पे हमारा 40 था, रेडियस हमने 4 यहाँ पे लिया, ये 40 है तो आगे भी 4, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को लिया 4, 4। एक सर्कल ड्रॉ किया, ये क्या है, एक राइट पैराबोला था। तो रिक्वायर्ड एरिया इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक तो हमारा ये पार्ट है क्योंकि ये दोनों हमारे क्या थे यहाँ पे, ये तो सेंटर था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। तो इस पार्ट को इसके अंदर ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ओ ए सी ओ प्लस में सी ए बी सी 0, 2, 4। ये 0, 2, 4 है, ये क्या है, वाई ओ पैराबोला, इसका रीजन है, प्लस में 4 to 8, सॉरी ये कंप्लीट क्या हो जाएगा फिर 0 to 8 y ऑफ सर्कल, ये गलती से लिख दिया 4 to 8, क्योंकि एक बार तो ओ टू 0 to 4 फिर 4 to 8, ये किसका पार्ट है, हमारा सर्कल का, यानी कि y ऑफ सर्कल dx 0 to 4 y ऑफ पैराबोला, यहाँ पे 2√x प्लस में 4 to 8 y ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन थी यहाँ पे 8x माइनस में x स्क्वेयर, y की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वेयर माइनस में x माइनस 4 का होल स्क्वेयर, आइडेंटिटी बना ली रूट के अंदर। अब ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे और इसका क्या आ गया, x की पावर 3/2 / 3/2 0 to 4, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट करने के बाद जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारा कितना आया है, 4/3 इंटू में 8 प्लस में 3π स्क्वेयर यूनिट्स। सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट एक जैसे हैं जो हमने पहले भी किए हैं। ठीक है, किसी में सर्कल और पैराबोला दे दिया, किसी में स्ट्रेट लाइन और सर्कल दे दिया, ठीक है, किसी में दो पैराबोला दे दिया। ठीक है, तो उनका हमें वहां पे ड्रॉ करने के बाद रिक्वायर्ड एरिया देखना है दोनों के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया, 4/3 8 प्लस में 3π स्क्वेयर यूनिट्स। नेक्स्ट करते हैं 20। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 5x 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36 एंड फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द रीजन यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखो लेंथी जरूर है ये क्वेश्चंस, यहाँ पे r1 और r2 टू कर्व है, एक तो है y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5x, दूसरा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36। इसको मैंने r1 कह दिया, इसको r2। अब r1 वाला रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 5x, एक राइट पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0, 0 और एक्सिस किसके अलोंग है, x एक्सिस। तो ये y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5x है तो रीजन लाइन इनसाइड द पैराबोला आ गया। r2 क्या है हमारा, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 36, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 6√5 का अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ये r बन गया हमारा रेडियस, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को जिसका सेंटर 0, 0 है, रेडियस क्या है ये। तो यहाँ पे हमने ये रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया, ये एक राइट पैराबोला। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला हमने, वहां पे एक्स की वैल्यू पॉइंटों में आएगी, देखो ये कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, ये पॉइंट्स में आएगी, -6.16, 1.16। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अगर एक्स की वैल्यू हम 1.16 लेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे +-2, 4। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो आ गया 1.16,
24, दूसरा 1.16 माइनस 2.4, ठीक है, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब साइडेड पार्ट तो हमारा यही है, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ओ ए सी बी ओ, ये कंप्लीट। अब ये किसका ट्वाइस हो जाएगा, ओ ए सी ओ का, इस ऊपर वाले का अगर हम ट्वाइस कर दें तो ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा हमारा। इसमें क्या है, ओ ए डी प्लस में डी ए सी, ये वाला एरिया प्लस में ये वाला एरिया ट्वाइस के अंदर में, ट्वाइस ये वाला एरिया क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा 1.16, 0 to 1.16, ये किसका है, पैराबोला का, वाई ऑफ पैराबोला प्लस, यहां से ये जो पॉइंट है 1.162, यहाँ पे ये जो हमारा सेंटर आया था, रेडियस आया था 6√5/5, ये किसका है, सर्कल का, वाई ऑफ सर्कल, वाई ऑफ पैराबोला की यहां से वैल्यू पुट कर दी हमने √5x, यहां से वाई ऑफ सर्कल की वैल्यू वाई की यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे 0 to 1.16, यहाँ भी 1.162 6√5/5, यानी कि 1.16 को बार बार लिखने की बजाय हमने इसको ए कह दिया, ठीक है, 0 to a, a to a, इसका इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैलकुलेशन बहुत बड़ी है इसके अंदर, तो एरिया आएगा हमारे पास 4√5/3 ए की 3/2 प्लस 18π/5 माइनस ए, अंडर रूट के अंदर 36π/5 माइनस ए स्क्वेयर माइनस 36π/5 साइन इनवर्स ए √5/6। एरिया भी देखो किस तरह से कितना बड़ा लेंथी आंसर है हमारा, ठीक है, लगभग जो इस टाइप के पॉइंट्स वाले आंसर है वैसे हमारे एग्जाम में नहीं आते, बाई चांस ही कोई क्वेश्चन आ सकता है, वरना डायरेक्ट ही जिसका आंसर हमारा इजिली निकल जाए वही आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम 21, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाई टू सर्कल्स x² + y² = 16, दूसरा है x-4 का होल स्केयर + y² = 16। दोनों का में सर्कल गिवन है आपकी बार, तो फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को जिसका सेंटर 0, 0 है, रेडियस क्या है 4 यूनिट। सिमिलरली इक्वेशन सेकेंड रिप्रेजेंट ए सर्कल विद सेंटर 4, 0 और यहाँ पे रेडियस क्या है 4 यूनिट। यहाँ पे एक जिसका सेंटर 0, 0 है, 4 रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ से सेकेंड जो है उसका 4, 0 हमारा सेंटर होगा, फिर 4 रेडियस लेके ये एक सर्कल दूसरा ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, y की क्या आ गई +-2√3। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2, 2√3 जहां पे ये कट हो रहा है, दूसरा नीचे की तरफ 2 - 2√3। अब रिक्वायर्ड रीजन तो हमारा यही है ना, ये वाला दोनों सर्कल्स के बीच का रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ये कंप्लीट। इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, इन दोनों का ट्वाइस। इसके अंदर भी ये किस किस का एरिया है, एरिया ऑफ ओ ए डी प्लस में एरिया ऑफ ए डी बी या डी ए बी, ठीक है, इस टाइप से। तो ये ट्वाइस हो गया, ओ ए डी ओ, ओ ए डी ओ के अंदर ये किसका है, लिमिट क्या है हमारी 0 to 2, लिमिट क्या है यहाँ पे 0 to 2, वाई ऑफ सर्कल 2, ये सेकेंड सर्कल है हमारा ये जो हमने ड्रॉ किया था। फिर क्या है 2 to 4, ये क्या है वाई ऑफ सर्कल फर्स्ट, तो y ऑफ सर्कल सेकंड को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 16 - x - 4 का होल स्क्वायर, और ये भी ट्वाइस हो जाएगा 2 to 4 16 - x² इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे a² - x² वाला, x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/a, सिमिलरली इसके सेकंड के अंदर, ठीक है, देखो कैलकुलेशन कितनी बड़ी है। फिर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट हम इसके अंदर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आंसर क्या निकल के आएगा हमारा 32π/3 - 8√3 स्क्वायर यूनिट। सोल्व करने पे हम यहां तक भी छोड़ सकते हैं, फिर आगे इसने एलसीएम लेके सोल्व किया है, जो एरिया है वो हमारा आएगा 32π/3 - 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट करते हैं, जो इसका सेकंड वाला पार्ट है सेम एज इट इज है, इसके अंदर भी टू सर्कल्स है, जैसे हमने ये किया है फर्स्ट वाला, सेम एज इट इज सेकंड है, ये आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में इसका एरिया मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट करते हैं 22, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द ट्रायंगल। आपकी बार हमें पॉइंट्स गिवन है और वहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है। थ्री वर्टिसेस दे रखे हैं किसी भी ट्रायंगल के, एबीसी हमने इन वर्टिसेस को कह दिया ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन पॉइंट्स को यहाँ पे हमने लोकेट किया,
ज्वाइन किया एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी, इसको नीचे एक्स एक्सिस पे ज्वाइन किया तो ये पॉइंट है एल, ये एम, ये एन। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे। टू पॉइंट्स गिवन हो तब इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू में एक्स माइनस में एक्स वन। ठीक है, यहां से इक्वेशन ऑफ ए बी आ गया। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ बी सी हमने निकाला y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सेवन, ऐसे ही इक्वेशन ऑफ ए सी, यानी कि ए बी बी सी और ए सी तीनों इक्वेशन आ गई हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो किस किस का सम है, एरिया ऑफ एल ए बी एम प्लस में एरिया ऑफ एम बी सी एन। सेडेड पार्ट तो यही है ना हमारा सेडेड पार्ट, इसमें से ये वाला एरिया हम माइनस कर दें, इन दोनों के सम में से एल ए सी एन का एरिया हम माइनस कर दें। अब हम देखेंगे यहाँ पे एल ए बी एम का एरिया निकालते हुए, ये टू टू थ्री लिमिट क्या है हमारी, टू टू थ्री वाई ऑफ ए बी, वाई ऑफ ए बी यानी कि इक्वेशन हमने इसलिए निकाली है, यहाँ पे वाई की वैल्यू हमें पुट करनी होगी। ये कौन सी लाइन है हमारी वाई ऑफ ए बी, फिर इस वाले रीजन के लिए थ्री टू फाइव, थ्री टू फाइव वाई ऑफ बी सी, वाई ऑफ बी सी ये वाली लाइन, माइनस में यहां से टू टू फाइव, टू टू फाइव वाई ऑफ ए सी। अब ये तीनों हमने यहां से निकालनी है, ए बी की भी, बी सी की भी और ए सी की, ये उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, लिमिट अप्लाई की, इंटीग्रेशन कर देंगे इनका, इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इजी है बिल्कुल। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा ट्रायंगल ए बी सी का फोर स्क्वेयर यूनिट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इजी भी है। थ्री वर्टिसेस हमें ट्रायंगल के गिवन थे, वहां से ट्रायंगल बन रही थी एबीसी। सबसे पहले हमने वहां पे अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तब हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ ए बी निकाली, इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ ए सी। यहां से रिक्वायर्ड एरिया निकाला, ये प्लस में ये, इस कंप्लीट में से इस नीचे वाले का माइनस कर देंगे तो ट्रायंगल एबीसी का रह जाएगा। ठीक है, और वहां पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी, ये टू टू थ्री था, ये थ्री टू फाइव है, ये कंप्लीट यहां से टू टू फाइव था, ये माइनस कर दिया तो रिक्वायर्ड एबीसी का एरिया कितना आ गया, फोर स्क्वेयर यूनिट्स। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड ऐसा ही है, माइनस वन वन जीरो फाइव थ्री टू। अब की बार ये थ्री वर्टिसेस हमें गिवन है, सेम एज इट इज है, इनको हमने एबीसी का, इनको रिप्रेजेंट किया ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड आउट किया, इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ ए सी। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आ गया, ये एक्स वन वाई वन पॉइंट, ये एक्स टू वाई टू, वाई माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, सॉरी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई वाई इक्वल टू फोर एक्स प्लस फाइव। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ बी सी आ गई वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में फाइव। इक्वेशन ऑफ ए सी आ गई एक्स वाई फोर प्लस में फाइव बाई फोर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया हमारा ये है ट्रायंगल एबीसी का, यानी कि एरिया ऑफ एल ए बी ओ प्लस में ओ बी एम ओ बी सी एम। ठीक है, ये यानी कि इस एरिया के अंदर ये ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इसमें से ये वाला एरिया भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, एल ए सी एम जो यहाँ पे सेडेड नहीं है। अब ये लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस वन टू जीरो, एल ए बी ओ का हम निकालेंगे माइनस वन टू जीरो वाई ऑफ ए बी। सिमिलरली ये क्या है, बीसी वाली जीरो टू थ्री वाई ऑफ बी सी माइनस में माइनस वन टू थ्री वाई ऑफ ए सी। यहाँ पे ए बी बी सी ए सी की जो इक्वेशन हमने निकाली है वो वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन इसका बिल्कुल ईजी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद जो एरिया निकल के आया है फिफ्टीन बाई टू स्क्वेयर यूनिट्स, फिफ्टीन बाई टू स्क्वेयर यूनिट्स। अब इसका एक थर्ड पार्ट और है स्टूडेंट, वो भी वैसा ही है, एबीसी हमें पॉइंट्स मान के प्लॉट करके उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ट्रायंगल एबीसी का, वो आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। नेक्स्ट करते हैं हम 23, नेक्स्ट 23 करते हैं, कंप्यूट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाउंडेड बाय द लाइन। अब की बार हमें लाइन ही दे दी, अब तक हमने पहले वाले क्वेश्चन में वर्टिसेस गिवन थे। ठीक है, बाउंडेड बाय द लाइंस बाय इंटीग्रेशन मेथड, तीनों लाइंस है तो यहां से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, यहां से वाई इक्वल टू वन आ गया, वाई वन फर्स्ट में पुट किया तो एक्स जीरो, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड इज जीरो वन। सिमिलरली सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम थर्ड, यहां से एक्स इक्वल टू टू, ये वापिस टू में पुट किया इक्वेशन टू के अंदर, वाई इक्वल टू थ्री आ गया, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन टू एंड थ्री इज
टू थ्री. सिमिलरली सोल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड को, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 4-1, यानी कि तीनों पॉइंट्स आ गए. ये तीनों पॉइंट्स हमने ग्राफ के ऊपर यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किए. ये इस लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है, ये इक्वेशन ऑफ ए सी है, ये इक्वेशन ऑफ बी सी है, और ये इनके वर्टिसेस आ गए जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने सोल्व करके फाइंड आउट किए हैं. अब रिक्वायर्ड एरिया तो यही है हमारा ट्रायंगल ए बी सी का. ये किस किस का सम है? सी ए डी, सी ए डी प्लस में डी ए बी, ये वाले ट्रायंगल प्लस में ये. अब सी ए डी का एरिया किस तरह से निकालेंगे? कंप्लीट ये किस किस का सम है? ए डी सी एम में से ए सी एम, इस ट्रायंगल का एरिया ए डी सी एम इस कंप्लीट में से इस ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो किसका बच जाएगा यहाँ पे? सी ए डी का. सिमिलरली यहाँ पे ए डी बी एल में से हम ए एल बी या ए बी एल इस ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो इसका बच जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम सी ए डी का एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं. ये कहां से कहां तक है लिमिट हमारी? -1 to 1. एक्स ऑफ लाइन कौन सी लाइन है ये हमारी? एक्स ऑफ लाइन थर्ड, थर्ड वाली लाइन है एसी, माइनस एक्स ऑफ लाइन फर्स्ट, एक्स ऑफ लाइन फर्स्ट प्लस में ऐसे ही -1 to 3. कौन सा पॉइंट है ये हमारा? -1 to 3, एक्स ऑफ लाइन 3 माइनस एक्स ऑफ लाइन 2 डीवाई. यानी कि इनमें हमें इक्वेशन यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है और आगे इनका इंटीग्रेशन करना है, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. आंसर जो रिक्वायर्ड आएगा हमारा ए बी सी का वो यहाँ पे 6 square units आएगा. क्या आएगा यहाँ पे? ये 6 square units आएगा. ऐसे ही हमारे पास इसका जो सेकेंड पार्ट है सेम एज इट इज है स्टूडेंट. तीनों इक्वेशन है, तीनों से हमें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके ऐसे उनको डिनोट करके हमें उनका रिक्वायर्ड एरिया देखना है कि किस तरह से किसमें से हम किसका माइनस करें कि वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया एबीसी का आ जाए. वो आपको खुद से ट्राई करना है. लास्ट करते हैं हम 24. यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल x² + y² = 9 एट -1 √2. ठीक है, तो एक सर्कल है जिसका रेडियस यहाँ पे 3 है, हमने सर्कल ड्रॉ किया. एक यहाँ पे हमारा ये टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ सॉरी ये नॉर्मल का. ठीक है, ओपी स्लोप ऑफ ओपी क्या हो जाएगा? ये 0 0 है, ये पॉइंट दे रखा है -1 √2. ये y2 - y1 / x2 - x1 करने पे स्लोप ऑफ ओपी कितना आ गया? -2 √2. यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या हो गया? 1 / 2 √2. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 / 1 में या m होता है यहाँ पे y2 - y1 / x2 - x1 x - x1. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे. ये हमारे नॉर्मल आया है इसका. ठीक है, किसका स्लोप है? ये नॉर्मल का. और ये टेंजेंट का क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल -1 ऑफ रेसिप्रोकल या -1/m कह सकते हैं. तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया जो भी होगा उसकी लिमिट आ जाएगी. एक्स वाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा यहाँ से हम निकालेंगे तब -9 to -1. ठीक है, ये √2/4. यहाँ से ये जो इक्वेशन निकाली थी हमने टेंजेंट वाली वो dx प्लस में -1 to 0 जो हमारी नॉर्मल वाली थी. ठीक है, इनका इंटीग्रेशन करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने पे जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा इनका 9 √2 square units आएगा. ठीक है, एक सर्कल गिवन था, एक यहाँ पे हमारे पास उनका टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल किस पॉइंट पे वो कर रहे थे इंटरसेक्ट -1 और √2 के ऊपर. ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया 9 √2 square units. ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.4 जो कंप्लीट हो गई. बहुत ही लेंथी थी, लेंथी क्वेश्चंस थे. और इसी के साथ हमारा जो 10th चैप्टर है वो भी क्या हो गया? यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व वाला कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला चैप्टर 11th डिफरेंशियल इक्वेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो आगे हमारा जैसे बीएससी बीए में भी वो कंसेप्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का. यहाँ से अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो. थैंक्स एवरीवन.